हेलो स्टूडेंट्स, लर्न 24 अकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, जो रीट का जीके का पेपर हुआ है हम उसके आंसर की लेकर आए हैं आपके लिए, जो मॉर्निंग शिफ्ट वाला 25/2/2023 को। तो आ जाइए बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला प्रश्न है आपके सामने, मान हीरा टिब्बा डैश का प्रमुख खनन क्षेत्र है। तो ये किसका प्रमुख खनन क्षेत्र है? ये है नेचुरल गैस का। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा पहले का। आ जाइए प्रश्न नंबर दो देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, है ना, निम्न में से कौन सी राजस्थान की लोक नाट्य शैली नहीं है? तो बताइए कौन सी नहीं है। तो यहाँ पर आपकी ए नहीं है, ठीक है, डाडी नहीं है, ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर दो का ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर तीन देखिए, आमेसु कौन सी बोली राजस्थान में नी बोले जे, ठीक है, तो इनमें से कौन सी बोली राजस्थान में नहीं बोली जाती है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका हो जाएगा ब, अवधि नहीं बोली जाती है। ठीक है, प्रश्न नंबर चार देखिए, कंवर सेन द्वारा राजस्थान नहर की शुरुआत की गई थी, तो कौन से ईयर में की गई थी, ये पूछा गया। तो 1948 में की गई थी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा प्रश्न नंबर चार का। प्रश्न पाँच देखिए, महिला चित्रकारों कमला एम इलायची के नाम किस चित्रकला शैली से संबंधित हैं? तो बताइए किस चित्रकला शैली से संबंधित है, नाथ द्वारा से, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पाँच का। प्रश्न नंबर छः देखिए, कुंभलगढ़ तथा गोगुंदा के मध्य की उच्च भूमि क्या कहलाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा भोराट। ठीक है, क्या कहलाती है? भोराट कहलाती है। प्रश्न नंबर सात देखिए, वेली कृष्ण रुक्मणी री रा रचनाकार है, तो ये किसने लिखी थी? ये लिखी थी पृथ्वीराज राठौड़ ने, ए हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, प्रश्न नंबर सात का ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर आठ देखिए, स्त्रियां बोर्डलो आभूषण शरीर के किस भाग पर पहनती हैं? तो ये देखिए सिर पर पहना जाता है बोर्डलो, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर आठ का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आ जाइए प्रश्न नंबर नौ देखते हैं, ये थोड़ा सा कट रहा है पर कोई बात नहीं, आपको दिखाई दे रहा होगा। प्रश्न नंबर नौ, ठीक है, मैं थोड़ा छोटा सा कर देता हूँ, अब पढ़िए इसको। देखो, चंद्रभागा पशु मेला कहाँ लगता है? तो बताइए कहाँ लगता है चंद्रभागा पशु मेला? ये लगता है ऑप्शन नंबर ए, झालरा पाटन में। ठीक है, कहाँ लगता है? झालरा पाटन में लगता है चंद्रभागा पशु मेला। प्रश्न नंबर दस देखिए, बीकानेर के निकट समरा स्थल को किस लोक देवी कर्म स्थल बनाया? ठीक है, तो ये पूछा गया प्रश्न नंबर दस, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जम्बोजी। ठीक है, किसने बनाया था? जम्बोजी ने बनाया था। प्रश्न नंबर ग्यारह, कला प्रेमी सावंत सिंह किस प्रांत के शासक थे? तो बताइए कौन से प्रांत के शासक थे? तो ये थे किशनगढ़ प्रांत के शासक थे। इनका संबंध कहाँ से था? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 12 देखिए, राम स्वरूप किसान रो कहानी सांगे नी है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बारीक बात। अजय प्रश्न नंबर 13 देखिए, 1938 में करौली राज्य प्रजामंडल की स्थापना की किसने की थी? तो ये करी थी त्रिलोक चंद्र माथुर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्रश्न नंबर 13 का। प्रश्न नंबर 14 देखिए, जहांगीर ने मुगल बादशाह बनने के बाद में किस शासक के मनसब को कम कर दिया था? तो किसके करा था? ऑप्शन नंबर बी, मानसिंह के जो मनसब थी इनको कम कर दी थी इन्होंने। ठीक है, प्रश्न नंबर 14 क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और ये प्रश्न 15 देखिए, मेजा बांध बनाया गया है, तो मेजा बांध कौन सी नदी पे बनाया गया है? कोठारी नदी पे बनाया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका डी हो जाएगा प्रश्न नंबर 15 का। प्रश्न नंबर 16 देखिए, कृष्ण कुमारी किस राज्य की राजकुमारी थी जिसके विवाह के विवाद ने राजपूताना में राजनीतिक उथल पुथल उत्पन्न कर दी थी? तो ये कौन से राज्य की राजकुमारी थी ये पूछा गया। प्रश्न नंबर 16 क्या हो जाएगा इसका आंसर, बताइए जल्दी। तो इसका आंसर है उदयपुर। ठीक है, डी हो जाएगा इसका आंसर। प्रश्न नंबर 17, बीसल देव रासो किरण भातरो काव्य है, तो ये वीर काव्य है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 17 क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। 18 का आ जाइए, राजस्थान का 13 पंथी संप्रदाय निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो प्रश्न नंबर 18 इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जैन धर्म से। ठीक है, प्रश्न नंबर 19 देखिए, कजली तीज का त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो कजली तीज का त्यौहार बूंदी में मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। प्रश्न नंबर 20 देखिए, निम्नलिखित में से किस लोक देवता को जहर पीर के रूप में पूजा जाता है? तो कौन से लोक देवता को पूजा जाता है? गोगा जी को, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा इसका आंसर। आ जाइए प्रश्न नंबर 21 देखते हैं, यहाँ राजस्थान के किस संभाग में सर्वाधिक मक्का उत्पादन होता है? तो बताइए कौन से राज्य में होता है?
कौन से जिले में होता है, मतलब उदयपुर में, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, उदयपुर में सर्वाधिक मक्का का उत्पादन होता है। प्रश्न नंबर 22 देखिए, आदिकालीन चरण शैली का रचनाकार नीन है ना, इनमें से कौन है, तो इसका आंसर हम बाद में करते हैं, ठीक है। आज ये प्रश्न नंबर 23 देखिए, गणेश्वर संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल है, तो प्रश्न नंबर 23 इसका आंसर हो जाएगा ताम्रयुगीन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। ये हमने बहुत अच्छे से कराया था जब ये कल्चर वाला सेक्शन पढ़ाया है हमारे लेक्चर पर, तो वहाँ से आपको ये डायरेक्ट देखने को मिल रहा है सारी क्वेश्चन, ठीक है। प्रश्न नंबर 24 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में वनों के प्रशासनिक वर्गीकरण की श्रेणी नहीं है, ठीक है, तो कौन सी नहीं है, तो देखो रिजर्व है, क्लासिफाइड है, अनक्लासिफाइड है, अनारक्षित नहीं है, अनरिजर्व्ड नहीं है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। ये तीनों तो हैं, ये बहुत अच्छे से कराई थी आपको। आज ये प्रश्न नंबर 25 देखिए, मारवाड़ की पन्नाधाय किसे कहा जाता है, ठीक है, तो मारवाड़ की पन्नाधाय किसे कहा जाता है, गोराधाय को, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 25 का। 26वां क्वेश्चन देखिए, मुकुंदरा की पहाड़ियाँ कौन से जिले में विस्तृत हैं, तो बताइए कौन से जिले में विस्तृत हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, झालावाड़ कोटा में। निम्नलिखित में से कौन फर्ड वाचक से संबंधित है, प्रश्न नंबर 27 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भोंपे, ठीक है। और ये प्रश्न नंबर 28 देखिए, राखड़ी और टोटी है, तो बताइए राखड़ी और टोटी क्या है, महिलाओं के गहने, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29 देखिए, चित्तौड़ के किले में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माता कौन थे, तो बताइए त्रिभुवन नारायण मंदिर के निर्माता कौन थे, भोज परमार थे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। प्रश्न नंबर 30 देखिए, भारत गौरव रेल का मुख्य उद्देश्य है, तो क्या है, राजाओं और उनके शाही स्थानों के बीते हुए युग को पुनः दर्शाने हेतु, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर प्रश्न नंबर 30 का। आ जाइए प्रश्न नंबर 31 देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार एक व्यक्ति जिसकी आयु 7 वर्ष से अधिक है तथा किसी भाषा के समझाने के साथ पढ़ वे लिख सकते हैं वह कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, वह कहलाते हैं साक्षर, ठीक है, लिटरेट, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 31 का। अदे प्रश्न नंबर 32 देखते हैं, बनास नदी का उद्गम है, बताइए बनास नदी कहाँ से ओरिजिनेट होती है, तो ये होती है खमनूर की पहाड़ियों से, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्रश्न नंबर 32 का। प्रश्न नंबर 33 देखिए, ट्रेंच कमीशन किस आंदोलन से संबंधित हैं, ठीक है, तो प्रश्न नंबर 33 इसका आंसर हो जाएगा ए, बेगू किसान आंदोलन। प्रश्न नंबर 34 देखिए, हड़ौती बोली मुख्य रूप से कर्ण कठिने बोली जावे, ठीक है, प्रश्न नंबर 34 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोटा बूंदी में बोली जाती है। प्रश्न नंबर 35 आ जाइए, राजस्थानी लोक साहित्य री दीठू सु हरजस काई है, ठीक है, तो ये क्या है, 35 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोकगीत है ये, ठीक है। आ जाइए प्रश्न नंबर 36 देखिए, कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पी कौन था, ठीक है, तो कौन था, मंडन था, ये सभी लोग जानते हैं, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 37 देखिए, बरखान है, तो बरखान क्या है, बरखान है रेत के टीले, किस तरीके से है, अर्धचंद्रकार शेप में होते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर प्रश्न नंबर 37 का। प्रश्न नंबर 38 देखिए, तो 38 करते हैं अपन बाद में, आ जाओ 39 देखो, 39 यहाँ से नीचे से, हाँ 39 ही रहा, ठीक है। राजस्थान में वालर कृषि का प्रकार है, तो बताइए कैसा प्रकार है, ये स्थानांतरित कृषि, झूमिंग कल्टीवेशन, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर प्रश्न नंबर 39 का। प्रश्न नंबर 40 पे आ जाइए, भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ, तो ये कब हुआ, ये हुआ ऑप्शन नंबर ए 1972 में, है ना, भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था, 1972 में। ब्लैक सॉइल काली मृदा जानी जाती है, तो बताइए काली मृदा किसे जानी जाती है, 41 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रेगुर मिट्टी से। प्रश्न नंबर 42, जसनाती संप्रदाय की प्रधान पीठ कठिने हैं, तो बताइए कहाँ पर है, यह है कत्रियासर बीकानेर में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा प्रश्न नंबर 42 का। प्रश्न नंबर 43 देखिए, अरावली श्रृंखला का उच्चतम शिखर है, तो कौन सा है, गुरु शिखर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
प्रश्न नंबर 44, निम्नलिखित में से किस सभ्यता को धूल कोट कहते हैं? तो कौन सी सभ्यता को धूल कोट कहा जाता है? आहट सभ्यता को। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। प्रश्न नंबर 45 देखिए, राजस्थान राज्य वन नीति लागू की गई, तो राजस्थान राज्य वन नीति कब लागू की गई थी? तो ये करी गई थी 2010 में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? ए हो जाएगा, प्रश्न नंबर 45 का ए। आ जाइए प्रश्न नंबर 46 पे चलते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 46, राजस्थानी में राम कथा के आधार पर रामायण सिरे नाव सु आख्यान काव कुणे लिखियो, तो ये लिखा था ऑप्शन नंबर ए, में होजी गोदारा, ठीक है। 46 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आ जाइए प्रश्न नंबर 47 देखते हैं। देखो, मरू राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में अवस्थित है? तो ये किस जिले में है? जैसलमेर में, ये सभी जानते हैं। तो 47 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 48 देखते हैं, आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी राजस्थान में पाई जाने वाली एक घास नहीं है? तो कौन सी नहीं है? सालर नहीं है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्रश्न नंबर 48 का। प्रश्न नंबर 49, ठीक है, यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा सावित्री माता मंदिर रोपवे सिरोही, ये नहीं है, ठीक है, बी गलत हो जाएगा, बाकी सारे ठीक है। प्रश्न नंबर आ जाइए 50 देखते हैं। चंबल बेसिन की खड़ भूमि को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? रिवाइंस कहा जाता है, अवनालिकाएं कहा जाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा प्रश्न नंबर 50 का। प्रश्न नंबर 51 देखिए, समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत खंड स्तर का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, CBEO, ठीक है, क्या हो जाएगा? CBEO होता है। आ जाइए प्रश्न नंबर 52 देखते हैं। राजस्थान में प्रथम जेंडर बजट वर्ष डैश में प्रस्तुत किया गया था, तो कौन से वर्ष में किया गया था? ये किया गया था 2012-13 में, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, प्रश्न नंबर 52 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 53 देखते हैं, आ जाइए। प्राथमिक स्तर पर राइट टू एजुकेशन अधिनियम 2009 द्वारा विनिर्दिष्ट छात्र शिक्षक अनुपात है, तो कितना है? 53 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 30:1, ठीक है। प्रश्न नंबर 54 आ जाइए, राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल संस्थान कहाँ स्थापित किया जा रहा है? ठीक है, प्रश्न नंबर 54, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जोधपुर में, ठीक है। राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल संस्थान कहाँ स्थापित किया जा रहा है? जोधपुर में किया जा रहा है। प्रश्न नंबर आ जाइए 55 देखते हैं। विद्यालय प्रबंधन समिति के कुल सदस्यों में से कम डैश सदस्य माता पिता या अभिभावकों में से होने चाहिए, तो बताइए कितने होने चाहिए? 3:4, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। 55 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आ जाइए 56 देखते हैं। दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करते हुए किस सूत्र का पालन करना चाहिए? तो कौन से सूत्र का पालन करना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए, अमूर्त से मूर्त और मूर्त से अमूर्त दोनों, ठीक है। 56 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आ जाओ प्रश्न नंबर 57 देखते हैं। RSIC, ठीक है, राजस्थान स्मॉल इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये फुल फॉर्म हो जाएगी, कि वर्ष पब्लिक लिमिटेड कंपनी का दर्जा दिया गया था इसको, तो कौन से ईयर दिया गया था? 1961 में दिया गया था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 57 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आ जाइए प्रश्न नंबर 58 देखते हैं। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस खेल के खिलाड़ियों को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? तो किसको किया जा चुका है? एथलेटिक्स, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 59, राजस्थान के खिलाड़ी धनंजय दर्जी को हाल ही में खबरों में थे किस खेल से संबंधित हैं? तो कौन से खेल से संबंधित हैं? फुटबॉल से, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, धनंजय दर्जी, 59 का ए हो जाएगा, फुटबॉल। आज ये प्रश्न नंबर 60 देखिए, अजय सिंह शेखावत डैश से संबंध है, किससे संबंध है अजय सिंह शेखावत का? भारत तोल्ला, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्रश्न नंबर 60 का। अब देखिए स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 61, चूज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, यहाँ पर दे रखा है सही विकल्प चुनिए, तो प्रश्न नंबर 61 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सक्रिय और निष्क्रिय प्रक्रिया, एक्टिव एंड पैसिव प्रोसेस, ठीक है। आज ये प्रश्न नंबर 62 देखते हैं। दुनिया का सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर पर तैनात होने वाली
प्रथम महिला अधिकारी कौन बनी जो राजस्थान से हैं, तो बताइए कौन बनी, प्रश्न नंबर 62, ये बनी थी कैप्टन शिवा चौहान, ठीक है, बी हो जाएगा इसका आंसर, कैप्टन शिवा चौहान बनी थी। प्रश्न नंबर 63, राजस्थान के अर्जुन लाल जाट ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस स्पर्धा में भाग लिया, तो ये किस में लिया था, ऑप्शन नंबर ए नौकायन में इन्होंने भाग लिया था। प्रश्न नंबर 64, राजस्थान के कितने जिले सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत आते हैं, तो कितने जिले आते हैं, प्रश्न नंबर 64 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, 4 जिले आते हैं, सी हो जाएगा, मतलब ऑप्शन सी हो जाएगा ये वाला, और 4 इसमें 4 जिले आते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 65 पे आ जाइए, देखिए राजस्थान राइट टू एजुकेशन अधिनियम में कितने भाग एवं कितनी धाराएं हैं, तो बताइए प्रश्न नंबर 65 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 10 भाग और 29 धाराएं हैं, डी हो जाएगा इसका आंसर, 65 का डी हो जाएगा, ठीक है। 66 आ जाइए, सितंबर 2022 में किस ग्लोबल यूथ ह्यूमन राइट्स चैंपियंस अवार्ड दिया गया, तो किसे दिया गया था, डॉक्टर कृति भारती को दिया गया था, ऑप्शन नंबर सी, 66 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 67 का, द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लेखक कौन है, ठीक है, तो 67 का आंसर हो जाएगा वुड्रो विल्सन, इसका भी डी हो जाएगा, ठीक है। आ जाइए 68 देखते हैं, प्रश्न नंबर 68, बीबी जरीना का मकबरा कहाँ स्थित है, ठीक है, प्रश्न नंबर 68 इसका आंसर हो जाएगा धौलपुर में है, ऑप्शन नंबर ए, टोम ऑफ बीवी जरीना। 69 आ जाइए, राजीव गांधी डिजिटल योजना किस वर्ष शुरू हुई, तो किस वर्ष शुरू हुई थी, ऑप्शन नंबर ए 2021-22 में शुरू हुई थी। प्रश्न नंबर 70, विश्वविद्यालय अनुदान योजना की स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई, ठीक है, तो प्रश्न नंबर 70 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। प्रश्न नंबर 71, भारत का प्रथम डिजिटल आर्काइव राजस्थान में किस स्थान पर स्थित है, आर्काइव, ठीक है, तो बताना है ये कौन से स्थान पर है, ऑप्शन नंबर सी बीकानेर में। राजस्थान में मिशन निर्यातक बनो डैश को आरंभ किया गया, तो ये कब आरंभ किया गया था, ये 29 जुलाई 2021 में आरंभ किया गया था मिशन निर्यातक बनो। प्रश्न नंबर 73, ऑपरेशन सर्द हवा का संबंध है, तो बताइए ऑपरेशन सर्द हवा का संबंध किससे है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सीमा सुरक्षा बल से, ठीक है। प्रश्न नंबर 74, जल जीवन मिशन सरकार का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य हर ग्रामीण घर में डैश तक नल का पानी उपलब्ध कराना है, तो बताइए कब तक उपलब्ध कराना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2024 तक, ठीक है। प्रश्न नंबर 75, सरसों अनुसंधान निदेशालय स्थित है, तो ये कहाँ पर स्थित है, बताइए ऑप्शन नंबर बी भरतपुर में है, ठीक है। प्रश्न नंबर 76, ऐसे बालक जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अथवा सामाजिक व शैक्षणिक पिछड़े वर्ग से संबंधित है उन्हें परिभाषित किया गया है, तो बताइए इन्हें कहाँ परिभाषित किया गया है, प्रश्न नंबर 76 वालों को, तो इनको क्या गया है, अलाभित असुविधाग्रस्त समूह में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। अब देखिए प्रश्न नंबर 77, राज्य के युवाओं को रोजगार प्रदान करने के प्रयासों में राजस्थान सरकार द्वारा आयोजित मेगा जॉब मेला 4 और 5 जनवरी 2023 को आयोजित किया गया, तो ये कहाँ किया गया था, जयपुर में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कहाँ किया गया था, जयपुर में। अजय प्रश्न नंबर 78 देखते हैं, एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म राजस्थान के निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है, तो बताइए किस स्थान पर है, ये जेसर गंगानगर में है, ठीक है, जेसर गंगानगर में मिलेगा आपको ये सबसे बड़ा कृषि फार्म राजस्थान का। प्रश्न नंबर 78 का बी हो जाएगा। आ जाइए 79 देखते हैं, टोक्यो पैरालंपिक्स 2020 में अवनी लेखरा द्वारा डैश पदक जीते गए, तो इन्होंने 2 पदक जीते थे, कितने पदक जीते थे, 1 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज, ठीक है। 79 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अजय प्रश्न नंबर 80 देखते हैं, जोधपुर में राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो का प्रदेशिक केंद्र कब स्थापित किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1965 में किया गया था। प्रश्न नंबर 82,
राजस्थान राज्य का आधिकारिक नृत्य है, तो बताइए कौन सा है आधिकारिक नृत्य? ये हो गया घूमर, कौन सा हो गया? घूमर। प्रश्न नंबर आ जाइए 83 देखते हैं, ठीक है। सेकंड प्रश्न नंबर 83, सांस्कृतिक संस्थान भारतीय लोक कला मंडल डैश में स्थित है, तो बताइए कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर बी उदयपुर में स्थित है, ठीक है। आ जाइए प्रश्न नंबर 84 देखते हैं, हाल ही में सुर्खियों में रहा बाबा मगरा द्वीप उदयपुर की किस झील में स्थित है, तो बताइए कौन सी उदयपुर की झील में मिलेगा ये? तो ये मिलेगा आपको जयसमंद में, ऑप्शन नंबर बी। 84 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 85 देखते हैं, प्रश्न नंबर 85, राजस्थान में पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग का गठन कब हुआ था, तो बताइए 85 का आंसर क्या हो जाएगा? डी 1950 में हुआ था, ठीक है। प्रश्न नंबर 86 देखते हैं, निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 आयु वर्ग के बालकों को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को सुनिश्चित करता है, कितने? 6 से 14 वर्ष, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 86 का। आ जाइए 87 करते हैं, प्रश्न नंबर 87, निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव जालौर जिले का शुभांकर है, तो क्या हो जाएगा आंसर? भालू और रीछ ए। ये प्रश्न सीधे सीधे आर एस प्री में भी पूछा गया था, 2018 में आर एस प्री हुआ था तो ये प्रश्न वहाँ भी आया था, ठीक है। आज ये प्रश्न नंबर 88 देखते हैं, अस्ट्रा हिंद 2022 का आयोजन स्थल है, ठीक है, तो आयोजन स्थल कहाँ पर है? महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर में, आंसर डी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है 88। प्रश्न नंबर 89 करते हैं बाद में, आ जाइए प्रश्न नंबर 90 देखते हैं। प्रश्न नंबर 90 है, प्रख्यात धार्मिक स्थल अंबिका माता का मंदिर डैश जिले में स्थित है, तो ये कौन से जिले में है? उदयपुर में है, ठीक है। आ जाइए प्रश्न नंबर 91 करते हैं, तो देखिए प्रश्न नंबर 91 से, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है, तो कौन सा है? गर्म करने पर पीटी तार का चमकना, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 92 आ जाइए, देखिए मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था, तो मीराबाई का जन्म कुड़की ग्राम में हुआ था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 93 देखिए, यहाँ पे देखो 93 प्रश्न दे रखा है आपको कि चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन ईडियम, ठीक है, फ्रॉम द ऑप्शन दैट फॉलोज, प्लीज गेट टू द पॉइंट, डोंट बीट अराउंड द बुश, ठीक है। 93 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, से थिंग्स टू द पॉइंट। 94 देखिए, चूज द करेक्ट डायरेक्ट स्पीच ऑफ द गिवन सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन दैट फॉलोज, ठीक है, सी आस्क देम इफ दे वर रेडी फॉर द इवेंट, तो 94 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सी सेड टू देम आर यू रेडी फॉर द इवेंट। प्रश्न नंबर 95 पे आ जाइए, रुधिर में उपस्थित प्रतिस्कंदक जो प्रोथ्रोम्बिन के सक्रियण को रोकता है, तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, हेपेरिन रोकता है, ठीक है, 95 का सी हो जाएगा। 96 पर आ जाइए, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द छांटिए, तो देखिए इन सब में शुद्ध है अभिज्ञ, ए हो जाएगा। 97 देखिए, इसमें क्या बताना है? करेक्ट पैसिव वॉइस बतानी है आपको, ही हैड नॉट डन द वर्क, ठीक है, तो इसका करेक्ट पैसिव क्या हो जाएगा? द वर्क हैड नॉट बीन डन बाय हिम, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 98 का आ जाइए, देखो ये क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन सी निकल के आएगा 7। प्रश्न नंबर 99 देखिए, वेयर आर द एटलस माउंटेन्स, ठीक है, एटलस माउंटेन्स कहाँ लोकेटेड है? यहाँ पर यूरोप में, नॉर्थ अमेरिका में, अफ्रीका में, या फिर साउथ अमेरिका में, ठीक है, तो एटलस माउंटेन कहाँ पर है? एटलस माउंटेन लोकेटेड है ऑप्शन नंबर बी, अफ्रीका में, ठीक है। 99 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अजय प्रश्न नंबर 100 देखते हैं, द सम ऑफ एंगल्स ऑफ लीनियर पेयर इज, रेखीय युग्मों के कोण का योग है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। प्रश्न नंबर 101, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फ्रेजल वर्ब फ्रॉम द ऑप्शन दैट फॉलोज, द थीफ हेल्ड बैक द डिटेल्स ऑफ द रॉबरी, ठीक है। 101 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कॉन्क्लूडेड। प्रश्न नंबर 116 देखिए, 116 क्या, सॉरी 102,
चूज द करेक्ट फ्रॉम द वर्ब फ्रॉम द गिवन ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स. इट्स टाइम वी, ठीक है. तो इसमें क्या आएगा सेंटेंस को जो फुलफिल करेंगे तो इसका आएगा लीव, बी हो जाएगा इसका आंसर 102 का. 103 देखिए, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान से पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मूल संविधान पर हस्ताक्षर किए. तो राजस्थान में से कौन थे, तो ये थे बलवंत सिंह मेहता जी, ठीक है. प्रश्न नंबर 104, तो देखिए जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर सी निकल कर आएगा. प्रश्न नंबर 105 पे आ जाइए, राज्य में संसदीय सचिव को शपथ दिलाता है, कौन दिलाता है बताइए. प्रश्न नंबर 105 इसको दिलाता है मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर दिलाते हैं, ऑप्शन नंबर सी. प्रश्न नंबर 106, गोविंद ने राम को जगवाया वाक्य में किसका कौन सा रूप है, ठीक है. तो 106 में है प्रेरणार्थक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा. प्रश्न नंबर 107, निम्न में से कौन सा संगठन राजस्थान राज्य के कारीगरों को उनके उत्पाद के विपणन की सुविधा प्रदान करता है. तो देखिए प्रश्न नंबर 107 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान विपणन बोर्ड. प्रश्न नंबर 108 पे आ जाइए, इसको प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो आंसर निकल के आएगा आपका 100, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 108 का, ठीक है. प्रश्न नंबर 109 देखिए, वायवीय श्वसन के दौरान ग्लूकोज के विघटन को निम्न में से किस रेखा चित्र में सही से दर्शाया गया है. तो बताइए कौन से रेखा चित्र में दर्शाया गया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ग्लूकोज पाइरुविक अम्ल और CO2 प्लस जल, 109 का ए. प्रश्न नंबर 110 देखते हैं, सीता खाना खाकर जयपुर जाएगी वाक्य में कौन सी क्रिया है. तो इसमें हो जाएगा बी, पूर्णकालिक क्रिया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा. प्रश्न नंबर 111, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है. तो कौन सा नहीं है, गंगा नहीं है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है. अब देखिए स्टूडेंट प्रश्न नंबर 112, निम्नलिखित में से किसका उपयोग अपचयोपचय अनुमापन है ना, रेडॉक्स अनुमापन में प्राथमिक मानक के रूप में किया जा सकता है. तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, K2CR2O7, ठीक है, यह उसका आंसर हो जाएगा. प्रश्न नंबर 113 देखिए, 80 के निकटतम अभाज्य संख्या है तो कौन सी होगी. प्रश्न नंबर 113 का हो जाएगा डी, ठीक है. प्रश्न नंबर 114 पे आ जाइए, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है. तो कौन से में नहीं है, रमा हंसती है इसी में ही नहीं है सकर्मक क्रिया, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा. प्रश्न नंबर 115, यदि किसी पिंड पर कार्यरत बल शून्य है तो उसका संवेग होगा, ठीक है, तो इसका संवेग कितना होता है, शून्य, जीरो हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है. प्रश्न नंबर 116 देखिए, हिंदी में निकाल लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन रचनावाद उपागम के संदर्भ में सही नहीं है, ठीक है. तो प्रश्न नंबर 116 का आंसर हो जाएगा ए, रचनावाद उपागम खोज अधिगम पूछताछ विधि एवं सामाजिक अन्वेषण पर बल देता है, ये आंसर सही नहीं है, ठीक है. प्रश्न नंबर 117 आ जाइए, इनमें से कौन सा कागज फ्लेनल बोर्ड के पीछे चिपका रहता है, ठीक है. तो प्रश्न नंबर 117 का हो जाएगा डी, सैंड पेपर. प्रश्न नंबर 118, विद्यार्थियों के अधिगम के कमजोर क्षेत्रों की पहचान करने के लिए किस प्रकार का परीक्षण सहायक है. तो किस प्रकार का परीक्षण करना होता है, प्रश्न नंबर 118 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डायग्नोस्टिक टेस्ट, ठीक है. प्रश्न नंबर 119, ड्रेकोली विधि कौन से विद्यार्थियों के लिए प्रयोग में ली जा सकती है. तो बताइए कौन से विद्यार्थियों के लिए ली जा सकती है, मानसिक विकार मंद बुद्धि विद्यार्थियों के लिए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा. प्रश्न नंबर 120, जिस परीक्षा में सभी प्रश्नों का स्तर एक समान हो तो उसमें निम्न में से किस गुण का अभाव रहेगा. तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, विवेदीकारिता, ठीक है, इसका अभाव रहेगा. प्रश्न नंबर 121,
विच वन इज एप्लीकेबल टू द कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग CLT, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 121 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इट डेवलप्स द क्रिएटिव स्किल इन स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 122, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए क्राइटेरियन टेस्ट, तो क्या हो जाएगा 122 का डी, ब्रेविटी, ठीक है। प्रश्न नंबर 123, चूज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, इनमें से करेक्ट ऑप्शन चुनना है सही का, तो इसका आंसर हो जाएगा 123 का बी, मानक संबंधित मूल्यांकन में निर्देशन के अंत में परीक्षण का उपयोग किया जाता है, योगात्मक मूल्यन, ठीक है। प्रश्न नंबर 124, चित्रों को आवश्यकता अनुसार बोर्ड पर चिपकाकर कक्ष में प्रदर्शित किया जाता है, इस बोर्ड को कहते हैं, प्रश्न नंबर 124 का बी, फ्लालेन बोर्ड, ठीक है, ऑप्शन बी, क्या बोला जाता है, फ्लालेन बोर्ड बोला जाता है। अब बताइए प्रश्न नंबर 25, प्रश्न नंबर 125 देखते हैं। वचन की विश्लेषणात्मक विधि में निम्नलिखित में से कौन सी विधि असंगत है, तो प्रश्न नंबर 125 का आंसर हो जाएगा ए, कहानी विधि, ठीक है। अब देखिए प्रश्न नंबर 126, आपकी कक्षा के कुछ विद्यार्थियों का गणित के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण है, आप इसे दूर करने के लिए क्या करेंगे, ठीक है, तो बताइए क्या करेंगे आप प्रश्न नंबर 126 में, तो इसका करेंगे आप सूक्ष्म से स्थूल की ओर और सूत्रों का उपयोग करेंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। इसी स्पीच मस्ट प्रिसीडेड, ठीक है, तो 127 का क्या हो जाएगा सी, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। प्रश्न नंबर 128, निम्नलिखित में से वर्गात्मक एंड युगपत समीकरणों को हल करने में उपयुक्त शिक्षण सहायक सामग्री है, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ग्राफ, ठीक है, प्रश्न नंबर 128 का ए हो जाएगा ग्राफ। प्रश्न नंबर 129, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूजफुल एट द लोअर सेकेंडरी स्टेज, तो बायलिंगुअल मेथड, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, 129 का क्या हो जाएगा सी। अजय 30 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑडियो एड, ठीक है, तो ऑडियो एड इनमें से कौन सा नहीं है, एपिडाइस्कोप, ठीक है, बी हो जाएगा इसका आंसर। प्रश्न नंबर 31 देखिए, एक परीक्षक बोर्ड परीक्षा में निबंधात्मक प्रश्नों की जांच हेतु अनेक योजनाओं का उपयोग करता है, परीक्षक छात्र द्वारा दिए गए उत्तर की विशेषताओं की तुलना अंकन कुंजी में दिए गए उत्तर की विशेषताओं से करने के बाद अंक प्रदान करता है, परीक्षक द्वारा यह मापन की किस विधि का उपयोग किया गया है, तो प्रश्न नंबर 131 इसका आंसर हो जाएगा बिंदु विधि, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। प्रश्न नंबर 132, इनमें से कौन सी सामाजिक परिस्थिति मानव जीवन को प्रभावित करती है, तो कृषि, ठीक है। आगे प्रश्न नंबर 133 देखते हैं, यद्यपि विज्ञान शिक्षक किसी भी प्रकरण को सीधा नहीं समझता है, फिर भी प्रच्छा उपागम से शिक्षक को एक मुख्य भूमिका निभानी होती है, प्रच्छा उपागम में विज्ञान शिक्षक को क्या भूमिका निभानी होती है, तो इसमें मार्गदर्शक एवं अनुदेशक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गाइड एंड इंस्ट्रक्टर, ठीक है। अजय प्रश्न नंबर 134 देखते हैं, तो देखिए इसमें से कौन सा प्रकरण परिचर्चा विधि द्वारा पढ़ने हेतु उपयुक्त नहीं है, तो कौन सा नहीं है, ऑप्शन नंबर डी, आधुनिक भारत में जीना, ठीक है। प्रश्न नंबर 135, विद्यालय पाठ्यक्रम में विषयों के शिक्षण एवं अधिगम में खोज उपागम के उपायों को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसको दिया जाता है, तो प्रश्न नंबर 135 इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, जेरोम ब्रूनर, ठीक है। प्रश्न नंबर 136, जन्म के समय एक नवजात का सिर अपने सिर की कुल लंबाई के कितने प्रतिशत रहता है, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 25, ठीक है। प्रश्न नंबर 137, किसके अनुसार अधिगम के अंतर्गत वातावरणीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यवहार में आए समस्त परिमार्जन समाहित रहते हैं,
तो प्रश्न नंबर 137 ऑप्शन नंबर सी गार्डनर मर्फी, ठीक है। प्रश्न नंबर 138, व्यक्तित्व वह विशेषता है जिसके आधार पर विशेष परिस्थिति में व्यक्ति के व्यवहार का अनुमान लगाया जाता है, किसने व्याख्यात किया है, तो किसने कहा ये, कैटल ने कहा है, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 139 देखिए, एक शिक्षक ने देखा कि रानी को सही वार्तनी लिखने में परेशानी है, बड़े वे छोटे अक्षरों का भेद नहीं कर पाती, वे अक्षर बनाने में परेशानी आती है, उसे कौन सी विकलांगता है, ठीक है, तो बताइए कौन सी विकलांगता है इसे। प्रश्न नंबर 139 इसे डी, डाई स्केल कुलिया, ठीक है, ये वाली बीमारी है, और ये ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। प्रश्न नंबर 140, निम्न में से कौन सा वाक्य शैक्षिक मनोविज्ञान की प्रकृति के लिए सही नहीं है, सॉरी, ठीक है, तो प्रश्न नंबर 140, तो बताइए कौन सी प्रकृति मतलब सही नहीं है ये पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा एक, मैं इसको थोड़ा हटा देता हूँ, सुसंगठित व्यवस्थित सार्वभौमिक तथ्यों का एकीकरण करना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। प्रश्न नंबर 141, IEP का पूर्ण रूप है तो क्या है, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 142, बच्चों में व्यक्तिगत भिन्नता के कारण है, ठीक है, तो 142 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बोथ हेरिडिटरी एंड एनवायरनमेंट, वंशानुक्रम व वातावरण दोनों ए, ठीक है। प्रश्न नंबर 143, रिद्धिमा ध्यान की कमी से पीड़ित है, ठीक है, वह शिशु जैसे व्यवहार को प्रत्यावर्तित करती है, यह समायोजन तंत्र है, ठीक है। प्रश्न नंबर 143 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रिग्रेशन, ठीक है। प्रश्न नंबर 144 पर आ जाइए, निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण भाटिया बैटरी प्रदर्शन परीक्षण का भाग नहीं है, तो कौन से परीक्षण का भाग नहीं है इनमें से, कौन सा परीक्षण, वस्तु समनुक्रम परीक्षण ए, ठीक है, समानुक्रम ए। 145 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट पेयर, तो बताइए इनमें से कौन सा इनकरेक्ट पेयर है। प्रश्न नंबर 145 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पावलोव कबूतर, ये इनकरेक्ट पेयर है। प्रश्न नंबर 146, पुस्तकालय को डिजिटल रूप में रखना क्या कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी डिजिटल पुस्तकालय, डिजिटल लाइब्रेरी, ठीक है। आ जाइए प्रश्न नंबर 147, रेडियो वेव्स आर एग्जांपल ऑफ डैश कम्युनिकेशन, है ना, रेडियो तरंगे डैश संचार के उदाहरण हैं, केबल बेस कनेक्शन, वायर्ड, बेतार या निर्देशिका, ठीक है, तो कौन से हैं, बेतार कम्युनिकेशन है, नॉन वायर्ड कम्युनिकेशन, वायरलेस कम्युनिकेशन बोलेंगे आप इनको, सी हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 147 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 148 आ जाइए, जब आप एक्सेल फाइल को वर्ड डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करते हैं तो डेटा होता है कैसा होता है, बताइए हाइपरलिंक, एम्बेडेड, प्लेस्ड इन अ वर्ड टेबल या लिंक्ड, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, लिंक्ड होता है, जब आप एक्सेल फाइल को वर्ड डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करते हैं तो डेटा को क्या करते हैं, आप लिंक करते हैं। प्रश्न नंबर 149, LUMI इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश कंप्यूटर, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सुपर कंप्यूटर। प्रश्न नंबर 150, MS वर्ड कंट्रोल प्लस इक्वल टू की इज यूज्ड फॉर, बताइए इस की का यूज किस लिए किया जाता है, सब स्क्रिप्ट के लिए किया जाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये आपके 150 प्रश्न हो गए हैं, तो आप अपने इसके अकॉर्डिंग बता सकते हैं कितना स्कोर बन रहा है, और हमारे चैनल पर आपको राजस्थान से रिलेटेड सभी एग्जामों की प्रतियोगिता परीक्षाओं के जीके करंट अफेयर्स राजस्थान हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी भी कराई जा रही है, तो आप इसके लिए हमारे चैनल को एनरोल कर सकते हैं। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, आप सब लोग खुश रहिए।